दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में एमसीए 21 वर्जन 3.0 के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा एमसीए 21 वर्जन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की गई। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान डेटा एनालिटिक्स से संचालित होगा। इसके द्वारा भारत में कॉर्पोरेट विनियामक वातावरण को बदलने की कल्पना की गई है। आइए जानते हैं एमसीए 21 वर्जन 3.0 क्या है। यह एक प्रौद्योगिकी संचालित परियोजना है। यह भारत सरकार की पहली मिशन मोड ई शासन परियोजना है। इसका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, नियामकों के बीच सहज एकीकरण, उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाना और डेटा विनिमय की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस परियोजना में उन्नत विश्लेषण के लिए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होगा। आइए जानते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: ई स्कूटनी, ई एडजुडिसेशन, ई कंसल्टेशन, CMS यानी कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, MCA लैब और चैटबॉट एनेबल्ड हेल्प डेस्क। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसे भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत डिजिटल डाटा और प्रौद्योगिकी के विकास को 6 स्तंभों में से एक में शामिल किया गया है। इस संस्करण में ई न्यायिक निर्णय, ई परामर्श और अनुपालन प्रबंधन के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल होंगे। इसके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एमसीए 21 वर्जन 3.0 प्रोजेक्ट एक प्रौद्योगिकी संचालित परियोजना है। दूसरा, परियोजना में उन्नत विश्लेषण के लिए मैक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होगा। तीसरा, इसके द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या फिर है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपरोक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।